स्वागत है एक न्यू वीडियो में, आपको वेलकम करते हैं। मेरा नाम है सात सरो खान और आप देख रहे हैं सात सरो खान यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर पेमेंट हासिल करने तक जिन स्टेप से हमें गुजरना पड़ता है या जो स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं उनके बारे में आपको गाइड करूँगा। और जो स्टेप मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा उन पर मेरी ऑलरेडी वीडियोज़ बनी हुई हैं। अगर आप किसी भी वीडियो को डिटेल से समझना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पर आपको यूट्यूब और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती हैं। तो चलिए जी, टाइम को वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूट्यूब का चैनल बनाना है। यूट्यूब का चैनल बनाने के बाद आपको उसी चैनल पर अपनी वीडियोज़ को अपलोड करना है। वीडियोस आपकी अपनी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे प्लेटफॉर्म टिकटॉक फेसबुक, आजकल बहुत से प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, उनसे डाउनलोड की वीडियोस को आपने अपलोड नहीं करना। इसके बाद यूट्यूब ने आपको 365 दिन दिए हैं एक साल। आपको एक साल में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कम्प्लीट करना है। और इसी बात पर बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अगर हमारे चैनल का 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम एक साल में कंप्लीट ना हुआ तो हमारा चैनल YouTube डिलीट कर देगा या हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मान लो आपने 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया, इसके बाद आपको एडसेंस का अकाउंट बनाना है और उसी एडसेंस के अकाउंट को अपने यूट्यूब चैनल के साथ लिंक करना है। एडसेंस का अकाउंट बनाते वक्त आपने इस बात का ख्याल करना है कि जिस नेम से आप एडसेंस का अकाउंट बना रहे हैं उसी का शनाख्ती कार्ड उठाकर आपने सारी इन्फॉर्मेशन उसी की ही फिल करनी है। ऐसे नहीं है कि आप अपने फादर के नेम से एडसेंस का अकाउंट बना रहे हैं और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने नेम से डाल रहे हैं, या अपने नेम से आप एडसेंस का अकाउंट बना रहे हैं और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप फादर के नेम से फिल कर रहे हैं। इस तरह से आपको नहीं करना। अब आपने एडसेंस का अकाउंट बना लिया और यूट्यूब चैनल के साथ लिंक कर दिया, अब आपका जो चैनल है वो अंडर रिव्यू में चला जाएगा। यूट्यूब की टीम आपके चैनल को चेक करेगी कि इसने जो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का जो वॉच टाइम कंप्लीट किया है ये इसने किस तरह से किया है, कोई वोलेशन तो नहीं की। और जब भी आप अपने चैनल को अंडर रिव्यू के लिए भेजें आपने इस बात का ख्याल करना है कि ऐसी वीडियो जिनकी वजह से आपके चैनल का मैक्सिमम वॉच टाइम कंप्लीट हुआ उन वीडियोस पर कॉपीराइट क्लेम नहीं होना चाहिए। अगर कॉपीराइट क्लेम हुआ तो हो सकता है आपका चैनल अंडर रिव्यू में लटक सकता है। अब YouTube ने आपके चैनल को चेक किया, आपके चैनल का 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का जो वॉच टाइम था वो कम्प्लीट था, आपने कोई भी वायलेशन नहीं की। अब आपका जो चैनल है वो यूट्यूब अप्रूव कर देगा, मीन आपका चैनल जो है ना वो मोनेटाइज हो जाएगा। अब आपको किस तरह से पता चलेगा कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया? यूट्यूब आपको ईमेल भेजेगा कांग्रेचुलेशन के इस नेम से जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है इसके बाद आपके चैनल की जो वीडियोज़ हैं उन पर एड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब एड्स आते हैं तो उनसे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। एड्स का जो भी एड्स आते हैं उनका 55% यूट्यूब हमें देता है क्रिएटर को, और बाकी जो 45% है वो यूट्यूब खुद रखता है। अब आपकी जो अर्निंग है वो स्टार्ट हो गई है। अब आप यूट्यूब के एनालिटिक में जाकर देखेंगे तो हर रोज़ आपको डॉलर इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, कभी आपको हाफ डॉलर, कभी एक, कभी दो, कभी तीन, कभी चार, इसी तरह से हर रोज़ आपको डॉलर इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप एडसेंस में देखना चाहते हैं तो एडसेंस हर रोज़ अपडेट नहीं होता, एडसेंस हर महीने की 11 तारीख से लेकर 15 तारीख के दरमियान, ये जो 4 से 5 तरीके हैं इन तरीकों के दरमियान एडसेंस अपडेट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको एडसेंस के अकाउंट में $10 को कंप्लीट करना होता है। जब भी $10 कंप्लीट हो जाते हैं इसके बाद आपको अपनी आइडेंटिटी वेरीफिकेशन करवानी होती है, और उस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इन तीनों में से किसी की भी आपने एक रंगीन पिक्चर लेनी है साफ साफ, और वो आपको एडसेंस में सेंड कर देनी है।
अब YouTube की तरफ से आपको ईमेल आ जाएगा कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो वेरीफाई हो गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, आपने जो एडसेंस का अकाउंट बनाया था उसमें आपने जो एड्रेस फिल किया था उसी एड्रेस पर एडसेंस की तरफ से पिन आती है और वो पिन 6 नंबर पर मुश्तमिल होती है, लिफाफे में पैक होती है। जब भी वो आपके एड्रेस पर आती है आपने उसी लिफाफे को ओपन करके उस 6 नंबर की पिन को आपने एडसेंस के अकाउंट में फिल करना होता है, लिखना होता है, और जब भी आप उसे लिखते हैं तो इससे आपका जो एडसेंस का अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाता है। इससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपको पेमेंट मेथड ऐड करना होता है। अगर आपका ऑलरेडी बैंक अकाउंट बना हुआ तो ठीक है, अगर नहीं बना हुआ तो आपने बैंक का अकाउंट बनवा लेना है या आप फैमिली में से भी किसी का बैंक का अकाउंट यूज कर सकते हैं। बैंक की डिटेल देते वक्त आपको दो चीज़ों की लाजमी ज़रूरत पड़ती है और इन दो कोड्स के बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि ये कौन से कोड हैं और ये हमें कहाँ से पता चलेंगे। एक है स्विफ्ट कोड और दूसरा है आईबीएन नंबर। आईबीएन नंबर इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। अगर ये आपको दोनों नहीं पता तो जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है उसी बैंक में आपको चले जाना है, उनसे आपने पूछना है कि इस बैंक का स्विफ्ट कोड और आईबीएन नंबर क्या है, वो आपको बता देंगे। तो आपने जब भी बैंक की डिटेल फिल करनी है तो उसमें आपको ये फिल कर देना है। अब आपका जो पेमेंट मेथड है वो ऐड हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको एडसेंस के अकाउंट में $100 को कंप्लीट करना होता है और एडसेंस गूगल की तरफ से जो पेमेंट रिलीज़ होती है वो हर महीने की 11 तारीख से लेकर 26 तारीख तक, ये जो 5 से 6 तारीखें हैं इन तारीखों के दरमियान एडसेंस आपकी पेमेंट को रिलीज़ करता है और वो आपने जो भी बैंक का अकाउंट दिया है या जो भी आपका पेमेंट मेथड है उससे आप जाकर विदड्रा ले सकते हैं। और जो मिनिमम विदड्रा है वो $100 से आप कम का विदड्रा नहीं ले सकते। सो गाइस, आज की इस वीडियो मैंने आपको यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर पेमेंट हासिल करने तक जो भी स्टेप हैं उनके बारे में मैंने आपको गाइड किया। अगर आपको कोई भी स्टेप समझ नहीं है तो आप वीडियो को बैक करके वीडियो को दोबारा देख सकते हैं ताकि आपकी जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। और इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज की अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस चैनल पर आपको यूट्यूब और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगी। तो अब तक के लिए मैं दें इजाज़त, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। Thank you.